हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस कंसेप्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर आप स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के बारे में भी जानना चाहते हो कि उसमें आइसोमेरिज्म कैसे होता है, स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकाले जाते हैं, तो उसके लिए हमने एक अलग से कंसेप्ट वीडियो भी बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जो आपके सीएसआर, नेट, गेट या आपके आरपीएससी वाले जो एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जब आपका आईआईटी जैम का एग्जाम होता है, वहां पर जो है आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। वैसे तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भाई, बट हाँ ऑक्टाहेड्रल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक एक कॉम्प्लेक्स कैसे आएंगे आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसके पहले बात करते हैं फॉर्मूले की, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। उसके पहले बात करेंगे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस हाफ इंटू ब्रैकेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। स्टीरियो आइसोमर्स इन शॉर्ट अगर देखें, स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये होता है आपका फॉर्मूला। स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऐसा नहीं कि हर वक्त एग्जाम में आपको स्टीरियो आइसोमर्स ही निकालने को बोलेंगे, कभी कभी सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बोलते हैं, कभी कभी कौन सा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक एक कॉम्प्लेक्स की। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे MA6। जनरली बात करेंगे हम, मेटल कोई भी हो सकता है आपका और सराउंडिंग एटम भी कोई भी हो सकता है, NH3, CO या आपका कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक है। चलिए जब भी हम इससे बात करते हैं ना आइसोमेरिज्म की, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर निकालिए, चीजों को और इजी कर लिए खुद के लिए। ये है आपका स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो वैसे यहां पर जीरो है, यानी कि सिस ट्रांस तो कुछ बनेगा नहीं, बट हमें कंसिडर क्या करना है, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर को वन करना है। अब वन कहां से आया, जो आपका गिवन स्ट्रक्चर है ना या गिवन कंपाउंड, उसको आपको वन बोलना पड़ेगा। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या है, इसमें आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यस और नो। तो क्या हो जाएगा फिर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला वन प्लस हाफ इंटू जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका वन, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ इतने आसान तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली। अब जो दूसरा होता है, अब यहां पर मैं कुछ नहीं करूंगा, देखिए एक लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, MA5B कर दूंगा। अब क्या आएगा यहां पर वो देखिए, अब यहां पर ए है, यहां पर बी, ये ए, ये आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर इसका। अब यहां पर भी वापस आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है प्रेजेंट है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा भाई, ये सर नो, क्या हो रहा है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे, यहां पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो भी वन हो जाएंगे, जो गिवन है वो वाला। अब बार बार लिखने की वैसे जरूरत नहीं है हमें, बट एक दो बार में लिख लूंगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी यहाँ पर हो जाएंगे जीरो, तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, वन प्लस हाफ इंटू जीरो, तो ये हो जाएंगे आपका वन, ठीक है। चलिए अब और एक काम करता हूं, MA4BC ले लेता हूं। अब यहां पर देखिए क्या हो सकता है, सबसे पहले ड्रॉ कीजिए, सबसे पहले ना इसे किसी में ट्रांस को ड्रॉ कर दीजिए, चीजें आसान हो जाती है। अब ये है आपका ट्रांस और ये हो जाएगा आपका सिस, बी और सी को यहां पर मैंने लिया है सिस, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स तो कुछ नहीं आएंगे, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं यहां पर, दो है ना, एक सिस एक ट्रांस, ऑप्टिकल आइसोमर्स तो जीरो हो जाएंगे।
तो इसका क्या आ जाएगा, टू प्लस हाफ इंटू जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा टू। ये क्या आ जाएगा आपके, स्टीरियो आइसोमर्स आ गए। चलिए अब इसको देखिए, एम ए फोर बी टू, अब ये भी थोड़ा वैसे ही बनेगा, यहां पर एम ए ए ए ए, यहां पर बी और यहां पर बी, ये बना आपका सिस। अब ट्रांस भी बनाना है आपको, तो ट्रांस भी बना दीजिए, यहां पर ए ए और ये ए और ये ए, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यस बिल्कुल, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ये दो हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर जीरो हो जाएंगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स की मैं अगर बात करूँ तो ये भी टू प्लस हाफ इंटू जीरो, तो ये वापस क्या आ जाएगा, टू ही आ जाएगा ना। यस, अब एक स्पेशल केस होती है, वैसे तो स्पेशल केस कुछ नहीं है, थोड़ा इसके बारे में तो हमें देखना पड़ेगा, कौन सा है, फेशियल एंड मेरिडोनियल, फेशियल एंड मेरिडोनियल के बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले यहां पर देखिए, आरपीएससी के लिए लाए हम, क्या लाए यहां पर, एक स्पेशल ऑफर है, फ्लैट 75% ऑफ है हमारा यहां पर, ठीक है। अब रजिस्टर कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, आप जाइए आईएफएस के वेबसाइट के ऊपर, वहां पर जाके रजिस्टर कीजिए। क्या है यहाँ पर, 75% ऑफ चालू है, स्पेशल ऑफर ₹3499, ठीक है। ये आप ऐप के थ्रू भी जा सकते हो, आपका फायदा ही होगा, दो चार महीने है यहाँ पर हमारे पास, तो ऑब्वियसली अगर आप कोर्स चाहते हो तो यहाँ पर ऑफर है, तो उसका फायदा उठाइए। जो भी आपके दोस्त है जो ये एग्जाम देने वाले, उनके साथ भी ये न्यूज शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका फोटो लग जाएगा, AIR ये हमारे पास है 1, 2, 3, तो आपका भी ऑब्वियसली यहाँ पर फोटो आ जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर आप ले लोगे तो आपको ही चीजें ये बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर फेशियल एंड मेरिडोनियल की। अब जब भी आपको एक कुछ ऐसी चीजें देखे ना, MA3 B3 वगैरह, तो आपको समझ जाना है ये आपका फेशियल और मेरिडोनियल होगा। सबसे पहले फेशियल और मेरिडोनियल एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से। चलिए इनको ड्रॉ कर देते, फिर चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए अब यहां पर ए है, ये ए ए, यहां पर बी, ये बी और ये बी। अब ये क्या बना है आपका, ये एक फेशियल आइसोमर बना है, और जो दूसरा है ना आपका ए, ये बी, बी और बी। अब ये जो बना है आपका, ये है मेरिडोनियल आइसोमर, ये है आपका फेशियल आइसोमर और ये है आपका मेरिडोनियल आइसोमर। और ये एक दोनों के क्या है भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें भी प्रेजेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें भी प्रेजेंट है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएंगे दो, अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। तो अगर स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूं यहाँ पर, तो ये वापस हो जाएंगे टू प्लस हाफ इंटू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये सर नो, जी हाँ बिल्कुल, तो ये टू हो जाएगा। तो फेशियल और मेरिडोनियल को एक केस अलग से याद रखिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं और इंपॉर्टेंट केस है ये। चलिए अब नेक्स्ट आता है और एक, जहां पर आपका बाइडेंटेट लिगेंड हो। एक काम कीजिए, उसके पहले एक सेंटेंस लिखिए, इफ अ कॉम्प्लेक्स कंटेंस, इफ अ कॉम्प्लेक्स कंटेंस वन रिंग अबव एंड वन रिंग बिलो, देन कॉम्प्लेक्स इज कैसा है, ऑप्टिकली, ये ऐसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंटेंट्स या कॉम्प्लेक्स डज नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब एक ऊपर और नीचे रिंग होती है तो कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, इसका मतलब वो क्या हो जाता है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये सर नो, ऑप्टिकली एक्टिव। एक एग्जांपल लेते फिर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब ए ए लिखा है, एक कोई इन लिगेंड समझ लो, इन लिगेंड हो सकता है ना, तो ये कैसे होगा, ये ऐसे हो सकता है। अब एक रिंग आपकी अबव है, एक बिलो है, तो ऐसे केसेस में अब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो सकती, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस बनेगा। ये सर नो,
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो जीरो होंगे, मतलब वैसे तो वन होगा, सिस ट्रांस नहीं बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वन कंसिडर करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पर दो हो जाएंगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस हाफ इंटू ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ये आ जाएगा आपका टू। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल पूछते हैं, सिर्फ एग्जाम में ए ए नहीं होगा, इसके अलावा कौन सा हो सकता है, इन लिगेंड बोल सकते हैं वो, EN3 ऐसे दे सकते हैं। तो ये सिमिलरली जहां पर ए है आपका वहां पर कौन सा आ जाएगा एटम, नाइट्रोजन एटम आ जाएगा, राइट। अब एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर बस इतने ही एग्जांपल्स आपके एग्जाम में वैसे तो पूछे जाएंगे। चलिए ये एक दिया, अब इसको ट्राई कीजिए, अगर चीजें समझ में आ चुकी है तो पॉज कीजिए वीडियो को और आगे बढ़िए। देखिए ये एम है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखिए ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं इसको। अब ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ये एक पॉसिबिलिटी बन गई। अब और एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, किसी एक को स्विच करो। अब किसी एक को स्विच करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर बी, यहां पर ए, इसको मैंने स्विच कर दिया तो ए और बी यहां पर क्या आ गया, ट्रांस आ चुके हैं, यहां पर सेम थे ना, तो ये अलग अलग हो चुके हैं ये और ए। यस, अब इसमें भी आपका नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो प्लस और माइनस होगा, इसमें भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ये भी प्लस और माइनस हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, मतलब अरेंजमेंट पॉसिबिलिटी कितनी है, दो है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, ये चार हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये चार है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे टू प्लस हाफ इंटू फोर, तो ये आ जाएगा आपका टू प्लस टू तो फोर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछते हैं एग्जाम में ये, क्योंकि यहाँ पर चिलेटिंग लिगेंड है लेकिन दो एटम्स अलग अलग है ना, तो ध्यान में रखना इस केस को, फोर आ जाएगा इसका सही आंसर स्टीरियो आइसोमर। पर देखना स्टीरियो आइसोमर पूछा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात हो रही है, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इतना इनफ है स्टीरियो आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको स्क्वायर प्लेयर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल भी जानना है तो आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी करना है और इसको भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल से काफी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।